नमस्कार, आज हम आपसे बात करेंगे। क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है एक जो है एक्सरसाइज 6.1। इसमें बताए गए हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है, मतलब रेडियस के सापेक्ष, यानी कि त्रिज्या रेडियस किस हिसाब से दिया हुआ है। आप रेडियस के सापेक्ष यानी कि उसके रेस्पेक्ट में आप पता कर सकते हैं जो उसका वैल्यू दे रखा है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके से सेंस में निकाल सकते हैं। जैसे आप लेंथ के सेंस में निकाल सकते हैं कि कोई शेप दिया हुआ है, जैसे आयत दिया है, उसकी लंबाई किस हिसाब से बढ़ रही है, चौड़ाई किसे बढ़ रही है, तो ये सब अलग अलग मूड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो कोई वृत्त का त्रिज्या दिया हो, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे पता करेंगे रेस्पेक्ट टू रेडियस, माने त्रिज्या के सापेक्ष। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने पर आपको इसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि ये बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो लेकर ही आइए गया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, दिस इज द चेंजिंग, किस हिसाब से उसके एरिया में चेंजिंग हो रही है रेडियस के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष बताएंगे। देखिए, इसकी क्षेत्रफल की गणना करना है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि चेंजिंग कैसे होता है, ये ध्यान से पहले सुन लीजिए। देखिए, इसे मानकर चलिए यहाँ पे एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मानकर चलिए 2 दिया है हुआ है, और ये त्रिज्या आपने इस वृत्त को आपने 3 कर दिया, आर बराबर कितना हो गया 3। तो भाई रेडियस बढ़ेगा, जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो वो इसका एरिया किस रेट से, जब रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना बढ़ेगा, यानी उसका क्षेत्रफल कितना हिसाब से बढ़ेगा। त्रिज्या तो एक बढ़ गया, ये तो बात पता है यहाँ से लग रहा है, लेकिन क्षेत्रफल कितना बढ़ा इसकी पता नहीं है। तो इसको हम लोग पता कर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आधार पर। अगर इसी तरह से अगर मानकर चलिए हम लोग यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे मानकर चलिए 4 कर देते हैं, आर बराबर 4, तो यहाँ से तो ये बात पता हो गया 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो त्रिज्या तो पता लग रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़, लेकिन क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में कवर किए हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेंगे और 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ कर भागिएगा मत, नहीं तो भागेंगे तो आधा ज्ञान आपको सीख पाएंगे, इसलिए पूरा जरूर सीखिएगा। देखिए, आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो पहले हम मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, क्योंकि अलग अलग सेंस में कभी क्षेत्रफल एस लिया जाता है, सरफेस एरिया होता है तो कहीं एस होता है, मैंने मान लिया एरिया ए है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो पाई रहेगा, चूँकि ये कॉन्स्टेंट है, ए हो जाएगा 2r, r का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये डिफ्रेंशिएट करने पर यह होगा 2πr आ गया। देख लीजिए, अब यहाँ पे हमको चेंजिंग पता करना है, तो dAy dr और r के जगह पर हमको 3 पर पता करना है, तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 2πr के जगह पर कितना भर देंगे 3, तो 3 दूनी 6 है ना पाई। अब देखिए, इसका मात्रक देना जरूरी है, क्योंकि एरिया का मात्रक जरूर दिया जाता है। कैसे देंगे, ये देखिए, इसके अनुसार देंगे। यहाँ पे ए है तो मतलब क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का इकाई यूनिट सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे का आपका आर है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है, यानी एक दूरी को शो करता है, तो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, चूँकि ये सेंटीमीटर दिए इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कटा देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है, गलती मत करिए। आगे देखिए, तो दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा तो dAy dr, आर के जगह पर 4 भरेंगे, वहाँ पर 2π, आर के जगह पर कितना भर देंगे 4, यहाँ पे आर के जगह पर कितना भर देंगे 4, तो 4 दुनिया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इस तरीका से आर के रेस्पेक्ट में, मतलब रेडियस दिया हो, तो उस तरह के हम रेडियस के सापेक्ष हम लोग उसके वृत्त के क्षेत्रफल को पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब रेडियस यहाँ पे 4 है तो क्षेत्रफल सीधे कितना हो गया 8 हो गया है, यहाँ पे 3 था तो कितना हो गया सीधे 6 हो गया। तो रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में उसका एरिया भी बढ़ जाता है, क्षेत्रफल भी बढ़ता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो इस
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों के लिए हेल्प करें जिनको इसकी जानकारी होनी चाहिए और वे इसके अभाव में वो परेशान हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान छिपाने से घटता है। इसलिए प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।